हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझा रखा है कैसे डोलो 650 है वो फीवर को ठीक करने का काम करता है और कैसे जो हमारे बॉडी पार्ट्स में पेन होता है सर से लेकर पैरों तक उसको कैसे ये ठीक करता है। तो आपको एवरीथिंग इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डोलो 650 टैबलेट है, इसका हम यूज करते हैं इसके एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के लिए। बात करें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी, तो ये हमारे फीवर यानी बुखार को ठीक करता है। अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे कैसे ये फीवर को ठीक कर रहा है और साथ में ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी यानी पेन को ठीक करता है यानी दर्द से राहत दिलाता है। बात करें किस किस टाइप के पेन में ये काम करता है, तो जो आपके सर से लेकर पैरों तक पेन होता है, दर्द होता है, उसको ये ठीक करता है। ये साथ में आप ले सकते हो पीरियड पेन में भी, आर्थराइटिस में भी यानी जोड़ों के दर्द में भी, और साथ में सर्जिकल पेन में भी यानी ऑपरेशन टाइम में जो आपको पेन हुआ रहता है उसको भी ये बहुत ठीक करता है। बट आपको अपने फिजिशियन से पूछ के ही लेना है इस मेडिसिन को। तो हम देख लेते हैं कैसे डोलो 650 है वो फीवर को ठीक करने का काम करता है। तो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर एक रीजन है हाइपोथैलेमस, वो ये फंक्शन को प्रोवाइड करता है। तो किसी भी रीजन से जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है उस टाइम पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स है ये तेजी से सिक्रेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे जो हमारा ब्रेन है वो एक नया टेम्परेचर सेट कर देता है हमारे बॉडी का, जिसको हम लोग फीवर बोलते हैं यानी हाई बॉडी टेम्परेचर। तो जो डोलो 650 है इसका काम है कि जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सिक्रेट्स हो रहे हैं तेजी से उसको ये ब्लॉक कर देता है यानी इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो दोबारा नॉर्मल होने लग जाता है, क्योंकि अब प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो डिस्टर्ब नहीं है, नॉर्मल अपना फंक्शन प्रोवाइड करेगा। अब हम देख लेते हैं कैसे डोलो 650 है वो पेन को ठीक करता है। तो किसी भी इंजरी के टाइम पे अगेन प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स जो होते हैं वो तेजी से सिक्रीट होने लग जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ये नर्व स्टिमुलेशन कॉज करते हैं, जिससे ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है और ब्रेन के द्वारा हम फील कर पाते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो डोलो 650 हम देते हैं ताकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स जो है इनको ये ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे जो हमारा ब्रेन है उसके पास मैसेज नहीं पहुंचता है पेन का और हम फील भी नहीं कर पाते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा इंजर्ड पार्ट है वो भी हील हो जाता है। और आपको ये मेडिसिन अपने फिजिशियन से पूछ करके लेना है, और ये याद रखना है कि आप जब भी फर्स्ट डोज लो तो सेकंड डोज के लिए आपको बीच में 6 आवर का गैप मेंटेन करके रखना है, और इसको आप ज्यादा यूज ना करें, नहीं तो इसके बहुत सारे एडवर्स साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपके किडनी जो है वो खराब हो सकती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें।